चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार ने लोगों को राहत देने का फैसला लिया है। जी हाँ, 1 अप्रैल से सिलेंडरों के दामों में कटौती की जाएगी। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस शहर में कितने रुपए कम हुए हैं। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आज यानी कि 1 अप्रैल से देश के कई शहरों में LPG सिलेंडरों के दाम में 30.50 रुपए तक की कटौती की गई है। हालांकि इस कटौती का लाभ सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों पर मिलेगा। घरेलू इस्तेमाल वाले LPG सिलेंडरों के दाम में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। ताजी कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम कम होकर 1764.50 रुपए हो गए हैं। इसी तरह कोलकाता में आज से कमर्शियल LPG सिलेंडर 1879 रुपए में मिलेंगे। मुंबई की बात करें तो मुंबई के लोगों को इस बड़े सिलेंडर के लिए अब 1717.50 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि चेन्नई में इनकी कीमतें अब 1930 रुपए होंगी। कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में ये कटौती इस कारण अहम हो जाती है कि इसी महीने पहले चरण का मतदान होने वाला है। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव इस महीने शुरू होकर जून तक चलने वाले हैं। वहीं इसके साथ ही कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में लगातार 3 महीने से हो रही बढ़ोतरी पर भी ब्रेक लग गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने घरेलू LPG सिलेंडर के ग्राहकों को तोहफा मिला था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस यानी कि 8 मार्च 2024 के मौके पर LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का ऐलान किया था। उससे एक दिन पहले 7 मार्च को भी मोदी सरकार ने LPG सिलेंडरों के मामले में आम लोगों को राहत दी थी। तब कैबिनेट ने PM उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक 300 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया था। अब एक बार फिर से कमर्शियल सिलेंडरों के जो दाम हैं उनमें कटौती की गई है। नीतू गौरकेला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।